हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। एसएससी सीपीओ 2020 का हमारा टायर 2 का जो एग्ज़ाम है शेड्यूल किया गया था, उसको लेके एक बड़ी अपडेट है। आपकी एग्ज़ाम स्टेटस आ चुकी है और एडमिट कार्ड कब तक आएंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ, और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको याद रखनी है, और कौन कौन से रीज़न का आ गया है, बाकी का कब तक आएगा। आपका कोई डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, जो बेस्ट रिप्लाई होगा वो मैं आपको ज़रूर दूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको मैं इस चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ। और 2020 का जब मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद हम फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देखेंगे कि फाइनली कितना जा सकता है, जैसा मैंने 2019 का भी निकाला था। तो आइए देखिए, सबसे पहले तो गाइस आप सभी को पता ही होगा कि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म फोर्सेज एग्जामिनेशन 2020 पेपर 2 जो है 8 नवंबर से आपका होना है। ठीक है, बिल्कुल शेड्यूल पे चल रहा है सब कुछ। सीएचएसएल का भी हमारा एग्जामिनेशन है, वो 3 नवंबर को स्टार्ट होना है, उसका भी सब एग्जाम स्टेटस वगैरह आ चुका है। उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड सीएनडी का है, और उसके बाद जीडी का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 16 नवंबर से। ठीक है, तो पूरा मंथ जो है एग्जामिनेशन चलने वाले हैं। अब इसके बाद देखो जरा, सबसे पहले आज की ये अपडेट है 23 अक्टूबर, नो योर स्टेटस ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस पेपर 2 एग्जामिनेशन 2020। अभी सिर्फ और सिर्फ आज ही अपडेट आया है ईआर रीजन का। ईआर रीजन में मतलब जितने भी कोलकाता वाले हैं सभी ये देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि बाकी रीजन का कब तक आएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि मंडे मंडे को बहुत सारे रीजन के आपको अपडेट मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको पता है आपका एग्ज़ाम 8 तारीख को है, तो 1 तारीख तक आप सभी लोगों के एडमिट कार्ड्स भी आ जाएंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड 1 तारीख तक देने, क्योंकि जनरली 7-8 दिन पहले वो देते हैं, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी या फिर कैंडिडेट और डेट ऑफ बर्थ ये सर्च कर सकते हैं, तो बहुत आसान है। ठीक है, अभी ये लिंक शायद काम नहीं करेगा क्योंकि जस्ट अपलोड हुआ है, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है वेबसाइट पे, ओपन नहीं हो रहा होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आप ओपन करेंगे तो हो जाएगा। और दूसरा क्या है, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। और जुड़े रहो, हर छोटी बड़ी अपडेट कट ऑफ को लेके सब कुछ बिल्कुल डिटेल में हम इस चैनल पर आपको जानकारी देते रहेंगे। तो गाइज शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आना स्टार्ट हो गया है, तो सभी लोगों को पता चल जाए। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।